केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इनकी नीतियों से हर वर्ग परेशान और तंग है तथा युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कई घोटाले हुए लेकिन किसी की भी जांच नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है, इनकी जनविरोधी नीतियों से आमजन परेशान और तंग है। इससे पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जन संदेश यात्रा सोमवार को कालका विधानसभा के रायपुरानी अनाज मंडी पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में घोटाले दर घोटाले सामने आते रहे लेकिन एक बार भी जांच अपने नतीजे तक नहीं पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, प्रमाण पत्र घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, राशन घोटाला समेत दर्जनों घोटाले प्रकाश में आए लेकिन किसी में भी आरोपी को सजा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री रह चुकी शैलजा ने कहा कि इसके बावजूद बीजेपी दावा कर रही है कि वह भ्रष्टाचार विरोधी है और उसके इसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस जनसंदेश यात्रा निकाल रही है। इस दौरान विधायक प्रदीप चौधरी ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाल को शॉल और गदा देकर सम्मानित किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी विधायक को पूर्व विधायकों को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। Thank you.